नमस्कार दोस्तों, जब हम मदरबोर्ड को साफ़ कर लेते हैं या किसी और, जैसे मान लो कि आप मदरबोर्ड को चेक करना चाहते हैं कि मदरबोर्ड चलता है नहीं चलता है, जो लोग काम सीख रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे चेक करेंगे कि मदरबोर्ड जो है हमारा, मदरबोर्ड को कैसे चेक करते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मदरबोर्ड है, ये रैम टाइट करनी है, ये रैम जो है, इसके बाद इसको भी टाइट करना है, दोनों को, फैन को भी टाइट करना है। उसके बाद इसका प्रोसेसर भी सेट करना है, ठीक है। अब इसको हमने चेक करना है, तो कैसे करना है कि हमारा जो मदरबोर्ड ठीक है, कैसे हम इसको ऑन करें। तो आपने क्या करना है, आपके पास पावर सप्लाई होनी चाहिए, ये पावर सप्लाई है। तो जो काम सीख रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो मालूम ही होता है कि पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है। तो आपको मैं पहले बता दूं, ये मदरबोर्ड है जो नीचे चिप लेवल का रखा हुआ है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये इसकी रैम है दोनों, ये रैम के स्लोट है, ये इसका प्रोसेसर फैन है, ये इसकी पावर का है, ये इसकी आईडी का है, और ये इसकी 4 पिन पावर का है, और ये जो है ये आईडी साटा पोर्ट है, हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क, सीडी राइट, डीवीडी राइटर, ये सारे लगते हैं। ये इसका पावर पैनल है जहाँ से इसको ऑन करते हैं, और ये इसके यूएसबी है, जहाँ पर लिखा है USB F1 और USB F2। तो ये है USB F1 और ये USB 2 है, ये ऑडियो का है, ठीक है, ये सिमोस सेल है, ये तो आपको सभी को मालूम है, और इसके नीचे जो ये फैन के नीचे प्रोसेसर है। तो अब हम इसको ऑन कैसे करेंगे, तो सभी ने ध्यान से देखना है। ऑन करने के लिए आपको एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है, कीबोर्ड माउस की ज़रूरत होती है। बिना मॉनिटर से भी आप चेक, बिना कीबोर्ड से भी आप चेक कर सकते हो, इसके लिए कोई वो नहीं है। बिना, अगर मॉनिटर भी नहीं है तो भी आप चेक कर सकते हो, मॉनिटर नहीं है तो आप कीबोर्ड लगा दो, तो कीबोर्ड के नम लॉक में लाइट देख लो, अगर नम लॉक में लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपका मदरबोर्ड ठीक है। और अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट मॉनिटर पर चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले आते ही कि चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हमने करना है, सभी ने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पावर केबल। तो दोस्तों, सप्लाई को, हम पावर सप्लाई को अटैच करते हैं। तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो इसका है सप्लाई का है, तो इसको हमने सप्लाई को बैठाना है। और अब हमारा 4 पिन है, तो 4 पिन को हमने यहाँ लगाना है, ये होता है 4 पिन, 4 पिन का ये है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें पावर सप्लाई लगानी है, सिस्टम में, ये हमारी पावर सप्लाई के अंदर, तो हमने पावर केबल को लगाना है। अब मैं सिर्फ आपको मॉनिटर के ऊपर चेक करके दिखाऊंगा कि डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है, और साथ में आपको कीबोर्ड के ऊपर भी दिखाऊंगा। सब मॉनिटर की तार लगा लेते हैं, ये मॉनिटर की तार, ये आपने देख लिया, मैंने वायरिंग कर दी है, ये पावर सप्लाई का लगा दिया है, ये गलत नहीं बैठता कभी भी, गलत बैठाओगे तो बैठेगा नहीं। प्लस ये 4 पिन है, ये आपने देख लिया, ये पावर सप्लाई है, और कुछ नहीं करना है, बाकी आप बाद में लगा सकते हैं, पहले चेक कर लो। तो इसमें हमने, जैसे इसमें ये लगा दिया, अब हमने इसमें कीबोर्ड माउस भी लगा दिया और डिस्प्ले का भी लगा दिया, इसका मॉनिटर का, हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऑन करना है। तो ऑन कैसे करेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हम कैसे मदरबोर्ड को चेक करते हैं कि ऑन कहाँ से करते हैं। तो मैं जूम करता हूँ, शायद दिख जाए, कम दिख रहा है, फिर भी चलो ठीक है,
ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा होता है पावर, और रीसेट के सामने पावर होती है, हमेशा ध्यान रखना है। तो जो रीसेट का होता है आपको मैं बता दूं, सबसे पहले है इधर आईडी का है, उधर पावर का है, वो लाइट वाला है, लाइट के बाद होता है रीसेट, जहाँ पर आपकी पिन है 1 2 3 4 5, समझ लो कि जहाँ तक 5 पिन है, तो 5 पिन से पहले जो यहाँ की पिन होती है, जैसे हम यहाँ से ये पावर वाले के ये पहला रिस्टार्ट है, ये रीसेट है, उधर पावर है, तो हमने क्या करना है, इधर से जो ऊपर की तरफ है इसको हमने टच किया, आपने देखा कि हमारा जो मदरबोर्ड ऑन हो गया। तो आपने देखा कि हमने ये तो लगा दिया है मगर डिस्प्ले नहीं आया, तो फिर क्या करना है, हमने फिर से चेक करना है, पहले केबल को देखते हैं। हाँ, डिस्प्ले आ गया। तो आप देखोगे कि जो हमारा मॉनिटर है इसमें डिस्प्ले आ गया है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो मदरबोर्ड ठीक है। अगर मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो डिस्प्ले नहीं आता है तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। और साथ में आपको एक और बता दूँ, अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है और हम कैसे चेक करें कि हमारा जो मदरबोर्ड सही काम करें, ये देखो आप इसके बारे देखो, ये ब्लिंक है, ये कीबोर्ड की नमोलॉक लाइट होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मदरबोर्ड काम कर रहा है नहीं है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो मदरबोर्ड है ठीक है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी टेक्निकल वीडियो आपके लिए डालूँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं आपसे जय हिंद, जय भारत।